अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कल्चर शॉक के साथ राशिद हसन हाजिर है। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हम करेंगे। इलेक्शंस हुए, कुछ नाखुशगवार वाकयात भी हुए, लेकिन रिजल्ट्स ओवरऑल आए। हसब मामूल अपोजिशन ने कहा कि जी उसमें धांधली हुई है, और लेकिन इस बात को ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। और अपोजिशन ने जो इत्तेहाद बनाया उसमें भी मौलाना साहब फजल रहमान अपनी सीट हार चुके, तो उन्होंने ये चाहा जैसे उनके वालिद साहब ने 1977 में किया था कि एक तहरीक शुरू कर दी और उसे फिर धांधली पर शुरू किया, और फिर तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम दे दिया, और फिर इस्लाम खतरे में है और जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। साथ उनके असर खान थे, उसके बाद किसी के हाथ कुछ ना आया। तो लेकिन इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी ये एक अच्छा फैसला किया। अपोजिशन में जमहूरियत को चलना चाहिए। देखिए, 5 साल हुकूमत पीपल्स पार्टी ने की, फिर मुस्लिम लीग नून ने की, लोगों को उनकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं लगी। उन्होंने एक तीसरी जमात को वोट दिया। अगर ये भी नहीं डिलीवर करेंगे तो 5 साल के बाद फिर पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की बारी आ सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस निज़ाम को, चूँकि हमें नहीं हुकूमत मिल रही, लिहाजा इस निज़ाम को ही लपेट दिया जाए, ये कोई अच्छी सोच नहीं है और इसको अब बदलना चाहिए। तो यहाँ पर हम आज हमारे मेहमान सईद इकबाल मेओ साहब हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, दानिश्वर भी हैं, लिखते भी हैं अखबारात के लिए, और इमरान खान के पुराने साथी भी हैं। अभी इलेक्शन के दिनों में इस्लामाबाद में ही थे, अभी इनसे पता करते हैं। सईद साहब, वेलकम टू प्रोग्राम कल्चरल शॉक। सर, शुक्रिया। आप मुझे पता है इलेक्शन से 2 दिन पहले वहाँ पहुँचे, तो ज़रा बताइएगा कि क्या सूरत हाल थी उस वक्त, आखिरी वक्त पे क्या सोच थी, पीटीआई की उम्मीद भी थी, और आपको शायद याद हो आपके साथ नहीं आए थे, वो अलग से आए थे, काजी आफाक हुसैन सीएसपी ऑफिसर, हमने उनका इंटरव्यू किया, हमने 22 तारीख को इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। सीजंट वो रिटायर्ड सीएसपी ऑफिसर थे, उन्होंने इस शुबे का इजहार किया कि मुझे लगता नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान को आने देगी। और जाहिर है कि उस वक्त चूंकि चौधरी निसार भी मैदान में आ चुके थे और वो जीप का एक सिंबल जो है वो भी यूज़ हो रहा था, तो ऐसा लगता था कि सूरत हाल कुछ ऐसी बनेगी कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई को कहा जाएगा कि जनाब ये इस पर इक्तफा, जैसे सेनेट में हुआ था, तो इनको आप सपोर्ट करें तो मजबूर हो जाती पीटीआई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक वाज़े रिजल्ट आया जो कि मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी, जो इस पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शायद यहां बैठ के मैं यही कह सकता हूं कि इतना ठीक नहीं है। आप वहां से होकर आए हैं, आपसे बात करेंगे, तो ये बताइए कि इब्तदा जब आप गए हैं और 2 दिन बाकी थे इलेक्शन में, उस वक्त क्या वहाँ पर सूरत हाल थी, और मोराल जो था, मतलब कौम का मोराल क्या था, और उस वक्त एक नज़रिया क्या था, कैसा आपने महसूस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपने तमाम नाज़रीन को सबसे पहले तो नए पाकिस्तान की मुबारकबाद देता हूँ। एक 22 साल तवील सफ़र था जो हमने इमरान ख़ान के साथ शुरू किया, और अल्लाह ताला ने हमें आज इस मुकाम पर पहुँचाया कि हम अपने उस ख्वाब की ताबीर, बहुत कम लोग हैं जो देखते हैं, तो शायद उनमें से मैं भी एक हूँ और हमारे और बहुत सारे दोस्त हैं पाकिस्तानी, कि हमने एक नए पाकिस्तान के लिए, एक नए निज़ाम के लिए, जो एक तब्दीली के लिए सफ़र शुरू किया था, अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी, और उसके मैं जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ वो कम है। राशिद भाई, रही बात ये कि मोराल क्या था, मोराल 2013 की तरह ही था। उस वक़्त भी पीटीआई जीत रही थी, जैसे आपने बताया कि काजी साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट शायद नहीं चाहती। तो यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, हम इंसान बहुत प्लान बनाते हैं, कभी ऐसे, कुछ इस तरह से, कुछ उस तरह से, और एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसीज या खलाई मखलूक, ये कौन लोग हैं, ये इंसान ही है ना। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो बहुत बड़ी ताकत रखती है, उससे बड़ी कोई एस्टेब्लिशमेंट हो ही नहीं सकती। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि किसी भी तरह से इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, वो सरासर गलत है। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। इस खलाई मखलूक या एस्टेब्लिशमेंट या दूसरी तीसरी जो एक ये मनफी प्रोपागेंडा था, उससे मेरी जमात पीटीआई को नुकसान हुआ,
हमारा 22 साल की जो मेहनत थी, जो तगोदो जदोजहद थी, वो 2 महीने में गारत कर दी गई। 170 ऐसी सीटें अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन से 3 दिन पहले जीत रहे थे, उसमें जरदारी और फरियाल तालपुर के लिए रिक्वेस्ट आती है कि इसका जो सज़ा है या इसका केस की जो हियरिंग है वो इलेक्शन के बाद कर ली जाए, और वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो बहसियत एक सियासी वर्कर के मेरा एक ख्याल ये है कि अगर मरियम और नवाज शरीफ को भी 1 महीने के बाद जेल में डाल दिया जाता तो कोई मुजायका नहीं था। 6 लोगों को एफिडेन केस में बरी किया गया, जिनमें साबक वजीर आजम के साहबजादे मूसा गिलानी, जिनके ऊपर 4,000 लीटर की फर्दे जुर्म लगी हुई थी, उनको बरी किया जाता है और हनीफ अब्बासी को भोंडे तरीके से रात 11:30 बजे सजा सुनाई जाती है। और बहुत सारे वाक्यात हैं जिनसे इनडायरेक्टली नून लीग को ही फ़ायदा पहुंचाया गया और पहुंचा, और हमारी सीटें एक हमदर्दी, 30 साल से वो लोग सियासत कर रहे हैं, मैदान के अंदर बैठे हुए हैं, उनके काम किए हुए हैं, गलत किए सही किए हैं कैसे किए हैं लोग उनके साथ हैं, ये मानना पड़ेगा। एक सियासी कुव्वत है नवाज शरीफ, उसका नुकसान हमें हुआ कि यार इनको तो वो लेकर आ रहे हैं, और उस नुकसान में ये हुआ कि वो नहीं चाहती कुव्वतें कि इमरान को इतना फ्री हैंड दे दिया जाए कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। जब आरटीए सिस्टम का शोर डलता है, उस वक्त हमारी 126 सीटें डिक्लेयर हो चुकी थी, और जब वो सही होता है, रिजल्ट आता है, तो हम 115-16 के ऊपर स्टिक कर दिए जाते हैं। हमें धांधली का रोना रोना चाहिए था, लेकिन ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए। इस प्रोसेस में एक चीज़ ये हुई कि हमें कमज़ोर किया गया, हमें मजबूर किया गया कि हम एमक्यूएम के साथ, हम दूसरी छोटी जमातों के साथ, काफ लीग के साथ, मैंगल ग्रुप के साथ और आज़ाद अराकीन के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, कि जब भी ज़रूरत पड़े अगर ये अपने उससे बाहर निकलने की कोशिश करे हुकूमत तो इसको हम खींच सकें। ये सिलसिला ना कल काबिले कबूल था, ना आज है, और ना होना चाहिए अगर हमने जमहूरियत के साथ चलना है या इस मुल्क के लिए। तो इसमें भाई हमारा नुकसान ये हुआ कि जैसे अभी आपने कहा कि चौरी निसार अकेला ही नहीं था, उसमें तहरीक लबैक को भी तैयार किया गया था, उसमें पीएसपी को भी तैयार किया गया था, और उसमें जो बड़े स्ट्रांग फ्यूडल्स थे, जो सरदार थे अपने अपने इलाकों में, जो हमेशा विनिंग सीट्स रखते थे, उन सब को उठाकर जीप के साथ ये तासुर देने की कोशिश की गई कि हम, लेकिन अल्लाह ताला की वही बात है दोबारा कि एस्टेब्लिशमेंट बड़ी ताकतवर है, कि अगर हमने भी इलेक्टेबल्स को टिकट दी है, आप मुस्तफ़ा खर से शुरू हो जाएं, जुल्फकार खोसा पर आ जाएं, दोस्त खोसा पर आ जाएं, अफजल शाही पर आ जाएं, आप अपना सियालकोट से डॉक्टर फरदोस आशिक अवान साहब आती, लाहौर देख लें, 14 सीटें थी लाहौर की, जिनमें से हम बमुश्किल 3 या 4 सीटें जीते हैं। जहाँ जहाँ पर भी हम लोगों ने गलत डिसीजन लिए हैं तो हमने उसकी कीमत भी अदा की है, और उसी अदायगी की सूरत में हमें दूसरी जमातों के पास जाना पड़ा। अगर हमारे वक़्त से पहले जो वहाँ पर सियासी बुजुर्ग उमर बैठे हुए थे, जो अपने आप को हरफ आखर समझते थे और जो किसी को खातर में नहीं लाते थे कि जो हम कर रहे हैं बस ठीक है, तो उनकी सज़ा उन लोगों ने नहीं भुगती, उनकी सज़ा मेरी पार्टी को या इमरान खान को भुगतना पड़ी। तो इस सिलसिले में भाई इलेक्शन हो गया, अच्छे माहौल में हुआ, नुकसान किसी का नहीं होता, नुकसान हमेशा उसका होता है जो मैदान से बाहर हो जाता है। तो बाहर बैठकर शोर शराबा ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इनके साथ अब होगा ना, उसका शोर शराबा सुनना होगा, वो चीखो पुकार, वो आहो बका जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला पूरी कौम देखेगी कि इनसे एक एक पैसा जो है ना
लूटा हुआ, इनकी एक एक मरात जो इन्होंने अपने अजीज़ व अकारब जिस बेदर्दी से अर्ज़ पाक को लूटा है ना, मैं देख कर आया हूँ, पहले भी देखता हूँ, हमेशा हर साल जाता हूँ, दो दफ़ा भी जाता हूँ, एक दफ़ा भी, तीन दफ़ा। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, मेरा ईमान है इस चीज़ के ऊपर कि अगर सिर्फ हम अपनी करप्शन की जो सी पी जे जहाँ से हो रही उसको ब्लॉक कर दें ना, तो पाकिस्तान कुर्रा रस पर सबसे खुशहाल और बेहतर मुल्क बन जाएगा। सिर्फ रोक दें, करें ना, करना बाद की बात है, सिर्फ उसको जो निकल रही है ना उसको ब्लॉक कर दें। और कौन करेगा? जब आपका कप्तान ठीक होगा, हेड ऑफ द स्टेट ठीक होगा, या आप जैसे आपका वापडा का था, अगर आपका चेयरमैन ठीक है तो नीचे किसी की जरूरत नहीं हो सकती। अगर वो ठीक, अगर मैं आप ही ठीक नहीं हूँ और मैं कहूँ राशिद भाई आप ठीक हों, वो डजेंट मेक सेंस, कि वो फिर नॉट वर्थ इट ना। तो इस जी यहाँ पर मुझे एक बचपन में पड़ी हुई हकायत याद आती है कि बादशाह नौशेरवान था तो शिकार खेलने गया, तो जब बावर्ची खाना बनाने लगे तो पता चला कि नमक लाना भूल गए, तो बादशाह ने कहा कि जाओ करीबी बस्ती से नमक ले आओ, लेकिन नमक कीमत अदा करके लाना, अगर बादशाह बग़ैर कीमत दिए नमक मंगा ले तो उसके हवारी बादशाह के नाम पे मुर्ग भी ले आते हैं। और इसी तरह तारीख़ में जिस तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का वाक़िया आता है कि माशरा बिगड़ चुका था बहुत ज़्यादा, आए बिल्कुल नेक पारसा इंसान, तो 2.5 साल में उन्होंने पूरा माशरा ठीक कर दिया। तो यह आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए जहाँ तक बात है ना कि इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्व, वो एक बड़ी 70 साल तारीख है जो हमने कई प्रोग्रामों में हमने उसको दोहराया है, और अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा, एक अच्छा वज़ीर आज़म आए और उसके बाद फिर वो अपोजिशन को साथ लेकर उनके इसके अंदर इस्लाहात करे, निज़ाम एक शफाफ हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ और इस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन हो जाए कि जो कुछ ये लोग कर रहे हैं ये मुल्क की मफाद में कर रहे हैं। उन्हें इंटरफेरेंस इसलिए करनी पड़ती है कि उन्हें नज़र ये आता है कि ये अगर हमने इस पार्टी का हाथ ना रोका तो ये तो मुल्क का ही बेड़ा गर्क, मुल्क को बेच के खा जाएंगे, उसी के टुकड़े कर देंगे। नतीजा तो उन्होंने फिर बीच में आना पड़ता है और वो आकर, तो अब उम्मीद ये हमारी है कि इंशाल्लाह जब इमरान खान आगे चलेंगे, हुकूमत बन गई अब माशाल्लाह, तो ऐसा एक निज़ाम वज़ा करेंगे कि जिसके बाद एक सुप्रीमेसी जो है सिविलियन गवर्नमेंट की वो कायम होगी और फौज अपना काम करेगी, अदलिया और मुकरना। तो इस वक्त एक बड़ी उम्मीद अफजा सूरत हाल है, अगर ये मौका हाथ से निकल जाता तो फिर शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। 5 साल बाद फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, और जितनी उन्होंने जद्दोजहद और जितने पिछले 5 साल उन्होंने किए शायद वो फिर बरकरार ना रख सकते और कौम का भी मोराल डाउन हो जाता। तो नाज़रीन अगले सेगमेंट में हम मदीद सईद साहब से बात करेंगे, अभी रिसेंटली ये होकर आए हैं और बनीगाला में भी वक्त गुजारा, इमरान खान साहब के साथ भी इनकी बड़ी मुलाकातें रहीं, तो अभी हम इनसे पूछेंगे कि उनकी फर्दर क्या हिकमत अमली होगी और मामलात किस तरफ चलेंगे। एक वक्त के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन प्रोग्राम आप देख रहे हैं कल्चर शौक, हमारी गुफ्तगू आज सईद इकबाल मियां साहब के साथ हो रही है। इलेक्शंस को अभी ये पाकिस्तान से होकर आए, करीब से इन्होंने मॉनिटर किया, इनका ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है उसका इन्वॉल्वमेंट रही, और अगरचे के नतज जो हैं वो ठीक है, अच्छे हैं, इस वक्त कौम उसे एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन बहरहाल पस पर्दा उसमें है। सईद साहब मेरा ये ख्याल है कि वक्त के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट अपने इख्तियार अपनी जुरिसडिक्शन तक महदूद हो जाएगी, लेकिन चूँकि ऐसा वज़ीर आज़म आया नहीं था, ऐसे जो है हालात पहले हुए नहीं, हर दफ़ा उन्हें कुछ ना कुछ जो है वो ठीक करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता था। खाम जैसे मैंने कहा 77 में खाम खाम उन्होंने तहरीक शुरू की, उसके पीछे कौन थे वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और 5 माह तक वो चलती रही और आखिरकार जो है ना मुआहदा होने ना दिया असर खान ने, और वो चाहता था कि क्योंकि उन्हें पता था कि भुट्टो को हम इलेक्शन में नहीं हरा सकते, लिहाजा कोई ऐसा ड्रामा बन जाए, फौज आ जाए, बाद में हम फौज से बार्गेन कर लेंगे, वो काम हुआ नहीं। तो लेकिन उसका नुकसान अल्टीमेटली मुल्क का, उन्हें तो जो हुआ सो हुआ, मुल्क को हुआ कि मुल्क जो है वो एक ऐसे मार्शल्ला, और वो पूरा कल्चर ही बदल दिया ज़ियाउल हक ने, उसने तो बेड़ा गर्क किया। तो अभी आप ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि इस खान साहब के इस इक्तदार और इसके इनके इस 5 साल के बाद सूरत हाल बेहतर होगी, हम अगले इलेक्शन में जब हम जाएंगे तो ऐसी जो इन बातों का तहफ़ात का आपने अभी इजहार किया वो नहीं होंगी? इसमें राशिद भाई जो मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि
एस्टेब्लिशमेंट, मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा है कि वो भी हमारी ही है, उसमें भी हमारे ही लोग बैठे हुए हैं। वो जुडिशरी में है, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, वो मिलिट्री की है, वो किसी भी शक्ल में है ना, वो हमारे पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के इदारों के तहफ़ुज़ के लिए। इन्वॉल्वमेंट अच्छी, अगर आपके फेवर में हो तो अच्छी लगती है, अगर आपके अगेंस्ट हो तो बुरी लगती है, एक नेचुरल सी थ्योरी है, इसमें तो कोई वो नहीं है। इसमें मैं एक चीज़ का इजाफा करूँ कि इन 90s ना इस्तांबुल दुनिया के गंदे तरीन शहरों में उसका शुमार होता था, और आर्मी की जो वहाँ पर कुव्वत थी वो सबको पता है। जब तैयब अर्दोगान फर्स्ट टाइम मेयर बनते हैं ना और ये रिफॉर्म्स करते हैं, तो 2000 के इरा में आकर जो दुनिया के 10 बेहतरीन साफ सुथरे शहर थे उनमें इस्तांबुल का नाम आ जाता है। और वही आर्मी, वही एस्टेब्लिशमेंट जिसके बगैर वहाँ पर पता नहीं हिलता था, वो पीछे हटना शुरू हो जाती है। ये एक सिलसिला है आपकी परफॉर्मेंस के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप परफॉर्म करेंगे ना और उसके डायरेक्ट बेनिफिट जो हैं वो पब्लिक को ग्राउंड रूट्स तक जाएंगे, तो फिर पब्लिक आपके साथ खड़ी होती है। और उसी तनाजुर में मैं आपको बताऊं कि एक दिन ऐसा आया कि वही पब्लिक तरक्की की टैंकों के आगे लेट गई। बिल्कुल सही बात, क्योंकि डिलीवर हुआ था ना। बिल्कुल। तो आज तुर्की दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क है शायद कि जिसने IMF का एक पैसा नहीं देना, बल्कि उसको कहता कि अगर आपको कुछ चाहिए तो हमसे ले सकते हो। अमेरिका की, इसराइल की, सबकी उसके ऊपर नज़र है कि इसको किस तरह सैंक्शन किया जाए, और उसके ऊपर डाल भी रहे हैं सैंक्शंस को। इसी तरह ईरान में अहमदी नजाद ने डिलीवर किया था, तहरान का मेयर था वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब जो है ना मेयरशिप में या CM शिप से या उससे निकल कर ना वो प्राइम मिनिस्टर के अहदे के ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर भी परफॉर्मेंस और डिलीवरी का ही प्रिंसिपल माना जाएगा, अपनाया जाएगा। अगर हम अपने वादे डिलीवर नहीं कर सके तो हमें पीपल्स पार्टी या नून लीग में कोई फ़र्क नहीं रहता। तो ये परफॉर्मेंस ही काउंट करेगी, और इसी की वजह से हमने पीछे KPK के अंदर परफॉर्म किया, वहाँ पर डिलीवर किया। और पाकिस्तान की 71 साल तारीख के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि KPK में दूसरी हुकूमत तसलसल के साथ और मेजॉरिटी के साथ जीती है, और इंशाअल्लाह ताला वही तसलसल जो है ना नेक्स्ट टाइम जब हमारे इलेक्शन आएंगे, अल्लाह हमें ज़िंदगी सेहत दे, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और सिंध की वो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, खान साहब क्लीन स्वीप करेंगे। क्यों? कि उनकी नीयत है, उन्होंने डिलीवर करना है। 22 साल तक कौम से वादे किए हैं, 22 साल थोड़ा सा टाइम नहीं है। एक नस्ल जवान होती है और एक नस्ल चली जाती है, और जिस तरह वो खड़े रहे उस वादे के ऊपर अपनी लगन के साथ, कितने लोग आए होंगे और छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन मकसद था, अल्लाह ताला ने जो उन्होंने ख्वाब देखा उसको ताबीर दी है। और हमारी कोशिश यही है कि हम आने वाले इलेक्शन का इंतज़ार किए बगैर आज इसे डिलीवर करना शुरू करेंगे। अभी 2-4 दिन हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप ऐसी रिफॉर्म्स देखेंगे फाइनेंस के अंदर, हेल्थ के अंदर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम हो रहा है, पहले ही किया हुआ है, अब सिर्फ उसको, चूँकि हुकूमत नहीं थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे, तो अब इंशाअल्लाह ताला नज़र आएगा कि कौन सी वो वजूहात थी जिनसे कौम को छुपाया जाता था मामलात को। शफाफियत कमीशन से आगे निकलती नहीं थी इन लोगों की, और उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड बजता था उसको ये आग के हवाले कर देते थे। ऑफिसर्स इनके अपने थे, पुलिस अपनी थी, जुडिशरी अपनी थी, जहाँ जहाँ तक। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात को शायद पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ना रहम आ गया, मैं इसका बरमला इजहार कर रहा हूँ। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, कि हम जिस मसीहाई
कि तगोदो में थे वो इमरान की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें एक सिपा सालार दे दिया। और यकीन जाने कि मुझसे अभी भी कोई दोस्त कह रहे उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको यूं नहीं करना चाहिए था। राशिद भाई, हकीकत यह है कि जितना सादा और बेलॉस और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला मैं नहीं हो सकता जितनी अल्लाह ने उसके अंदर वो सलाहियत रखी हुई है। हम कहते तो हैं कि हम हैं, लेकिन मैं उससे कम से कम 1000 दर्जे कमतर हूँ उन सारे दर्जात के अंदर जो उसके अंदर अल्लाह ने रखे हुए हैं। तो जो आदमी अपने घर के लिए, अपनी नस्ल के लिए, जब वो आपसे कहता है कि मैं नौजवान नस्ल को कहता हूँ कि झूठ मत बोलें, उसका क्या मतलब है? एक वो अगली नस्ल को तैयार कर रहा है। अभी लोग उठेंगे बोलेंगे ये है, ये कमी है। मैं उसकी चीज़ में ऐड करता जाऊँ कि कल तक लोग कहते थे कि जी ये वज़ीर-ए-आज़म की शेरवानी का एक बटन भी नहीं हम इसको देंगे। एग्जैक्टली बोलते थे यही लोग जब ताकत में थे। ताकत अंधी होती है। और एक साबक वज़ीर-ए-आज़म ने तो ये कहा कि मैं चौक में गोली मार लूँगा, राजा परवेज अशरफ साहब ने, कि अगर ये वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो। इवन ऐसे ऐसे इल्ज़ाम थे कि ये शराबी है, ये नशा करता है, ये जानी है, फला है। अल्लाह ताला ने उसको सारे इल्ज़ाम से बरी करके और मेरे अर्ज़ पाक की जो सबसे बड़ी सीट है वो अता की है। तो उन सब लोगों के लिए ये जवाब है कि जो लोग आप सोचते थे, जो लोग आप समझते थे, जो आपके गलत ख्यालात थे इमरान खान के बारे में, वो नहीं है। आज इमरान खान पाकिस्तान के लिए काम करेगा। उसमें ये नहीं होगा कि ये नून लीग से बिलोंग करते हैं, ये पीपल्स पार्टी से करते हैं, ये फजल रहमान ग्रुप से, नहीं। इमरान ने पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हर फर्द के लिए, खा वो किसी पार्टी से हो, किसी खित्ते से हो, किसी इलाके से हो, गाँव गोट से हो, सारे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। वो किसी एक ग्रुप का नहीं है, वो PTI का वज़ीर आज़म नहीं है। इलेक्शन तक वो PTI के चेयरमैन थे, आज वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। तो आज वो पूरे पाकिस्तान को उसी नज़र से देखेगा और तभी हम अगले उसके लिए वो चीज़ डिलीवर करेंगे जिसका हमने कौम से वादा किया। तो इंशाअल्लाह ताला राशिद भाई, बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं पाकिस्तान के। मेरा ईमान है, मैं बड़ी दिल से खुशी होती है, मैं बड़ा मतलब कि आपको उसमें बता रहा हूँ कि जो मैं देख के आया हूँ ना, कि हमें 70 साल में शायद वो क़यादत ही नहीं नसीब हुई। एग्जैक्टली जो हमें इस ट्रैक पे डालती ना, हमें तो इन्होंने बाहर की दुनिया के अंदर ना भिखारी बना दिया कि गदागरों की तरह वो कासा उठाए दर दर मांगते रहे। और कर्ज़ क्या के पता नहीं, वो शेर तो मैं भूल गया हूँ कि कर्ज़ की पीते थे, पता नहीं वो कर्ज़ की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन ना। तो वो अब ना इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है ना, एक साल के अंदर में आप कहेंगे कि हाँ जो खान साहब ने वादे किए हैं ना, जो PTI ने वादे किए हैं वो पूरे होंगे। और इस तरह पूरे होंगे कि बहुत सारे जो दोस्त हैं ना यहाँ पर पूछते हैं ना, तो वापस जाने वालों में शायद सबसे पहले भी मेरा ही नाम होगा। राइट कि मैं वहीं पर जाकर दोबारा अपना सारा, जैसे हम छोड़ के आए थे इन लोगों की वजह से, जो भी बदइंतज़ामी थी, गैर जिम्मेदारी इनका था, या जो एटीट्यूड्स थे जो एक्सेप्टेबल नहीं थे हम जैसे लोगों के लिए, आज वो वक्त आ गया है। जिन जिन हमारे दोस्तों ने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर PTI की सपोर्ट की, PTI के साथ चले, कितने खैरख्वाह हैं मैं आपको नहीं बता सकता। कि उस दिन जिस दिन इलेक्शन था, मैं सालक चौक में चौधरी सरवर साहब के साथ ही था, क्योंकि वो हल्का इमरान खान का था तो हम वहाँ थे। और मैंने शायद वो अपने फेसबुक पर लाइव ही दिखाया था कि उनका जो कैंप था नून लीग वालों का, वो टोटल खाली था और उसकी कुर्सियाँ भी उल्टी हुई थी। ये मेन गढ़ था जी। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसे ऐसे जज्बे से निकल के वो लोग आ रहे थे कि जिनको हम बचपन में मामा पापा बर्गर ग्रुप नहीं जिनको बोलते थे जी जी, उन लोगों ने यार अपने चिक्स के ऊपर, बच्चियों ने हाथों के ऊपर, उन्होंने PTI के फ्लैग बनाए हुए थे।
और वो वोट डालने के लिए आ रहे। मैं कह रहा था अल्लाह मियाँ ये क्या है, क्या जज्बा, ये कहाँ से निकल आई ये कौम जो आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखी कि ये लोग, हम तो कहते थे इन्हें डरी इनकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पैसा इनके पास बहुत है। असल में शायद ऐसा था कि कोई अच्छा मुतबादिल उन्हें नज़र नहीं आ रहा। 2013 का इलेक्शन तो टोटली धांधली था, उस वक्त ये जीत जाना था, इन्होंने जीत चुके थे, लेकिन उस वक्त बस शायद वही बात है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट का जो हेड था उसका क्या जहन था, उसने क्या किया, वो तो जीता हुआ इलेक्शन इनके हाथ से निकल गया। उस वक्त भी यही जज्बा तकरीबन, उस वक्त भी कौम एक्सेप्ट कर चुकी थी इमरान खान को के नाम पे मुत्तफिक थी, लेकिन इस बार बहरहाल चलें जिस तरह भी है थोड़ा बहुत जो इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया शायद आने वाले दिनों में, जैसे आपने टर्की की मिसाल दी वो भी बेहतर हो जाएगा, लेकिन इस दफ़ा बहुत बेहतर किरदार जो था मैं समझता हूँ कि यानी जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ही काबिल पढ़े लिखे और बहुत इस मंझे हुए लोग, इस सिस्टम को समझने वाले आखिरी वक्त तक ये इस बारे में श्योर नहीं थे कि इमरान खान जो है, और जब जो जीत गए और दो दिन हमें फिर भी यकीन नहीं था आ रहा कि ये पीटीआई जीत चुकी है और इमरान जो है वो आ रहे हैं वज़ीर आज़म। एनीवेज इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में फिर बात करेंगे, एक दो बातें जो हैं हमारी जो हमारे जहन में हैं वो भी हम आपको बताएँगे, चूँकि आप उनके साथ ही हैं तो ये बातें उन तक पहुँचनी चाहिए। नाज़रीन एक वक्त के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन प्रोग्राम कल्चर शॉक, हमारे आज मेहमान सईद इकबाल मियोसा इमरान खान के करीबी साथी और ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पर जो सोच थी क्या थी और हालात किन हालात से गुजरे, कौम की कौम का मोराल कैसा था और कौम मुत्तफिक थी इस वक्त एक तब्दीली लाने पर, और वो बड़ी बुरी तरह से तंग आ चुकी थी और एक शिकस्त खुर्दा कौम के लिए उम्मीद की किरण थे इमरान खान, और अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि उस उनकी ज़ात बारी ताला ने उन्हें ये चांस दिया, ये इज्जत बख्शी। मुझे एक क्लिप कुछ अर्सा पहले का भी दोबारा किसी ने भेजा कि एक टीवी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने होस्ट ने उनसे पूछा कि जनाब ये जो सूरत हाल है ये बदलेगी, उन्होंने कहा मैं दुआ करता हूँ कि खुदा एक दफ़ा मुझे मौका दे दे, मैं इन सब को सीधा कर दूँगा, इनका डियाला जेल में बचाऊँगा और फिर आप उस दिन मुझसे इंटरव्यू कीजिएगा। वो वक्त आ गया। सईद इकबाल साहब, अच्छा ये तो सूरत हाल हो गई अब मुल्क के अंदर, अब ये बताइए कि देखिए जैसे एकदम अमेरिका ने कई चीज़ों पर सेंक्शन लगानी शुरू कर दी हैं, दे नॉट हैप्पी, ज़ाहिर है उन्हें इस तरह तैयब अर्दगान इमरान खान जैसे लोग, शाह फैसल भुट्टो ऐसे लोग उनको पसंद नहीं होते, उन्हें यही लोग चाहिए होते हैं आपको पता ही है। तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब किस तरह से देखेगी हमारी हुकूमत को और उसके साथ किस तरह उनका रवैया क्या होगा? इसमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल पूछा राशिद भाई आपने। इसमें एक चीज़ क्लियर करता चलूं कि हमारी जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, हमारी जो अपनी एजेंसीज हैं वो बहुत सारे मुआज़ों के ऊपर पूरी दुनिया से लड़ाई कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, ख़ास करके पड़ोसी मुल्क हमसाया से जितनी दरअंदाजियाँ हो रही हैं बलूचिस्तान में या लाहौर या कसूर ये बॉर्डर के ऊपर, कहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और वो गोलाबारी हो या वो कुलभूषण यादव की शक्ल में स्पाई प्रोग्राम जो उन्होंने जारी रखा हुआ था, या वो बलूचिस्तान में जो इलीगल इंटरफेरेंस हो रही थी, फंडिंग हो रही थी सेपरेशन मूवमेंट्स के लिए, ये काफ़ी अरसे से चली आ रही है। लेकिन बदकिस्मत ये थी कि ना उसके ऊपर जरदारी बोलता था और ना नवाज़शरीफ बोलता था, और शोमई किस्मत देखिए कि मुशर्रफ साहब ने भी अमेरिकन्स को अपने अड्डे हवाले कर दिए कि जहाँ मर्जी पूरे पाकिस्तान में आप दंदनाते फिरें, नेटो फोर्सेस जो थीं। इन लोगों को रुकावट डालने के लिए जो मैंने पहले बात की है कि अल्लाह ताला को शायद अर्ज़ पाक के ऊपर तरस आ गया इस कौम के ऊपर कि और कितनी कुर्बानियाँ हम देंगे, कितनी नस्लों को गिरवी रखेंगे, कितनी आफिया सद्दीकी और बेची जाएंगी, किसी न किसी ने उस अर्श के ऊपर फरियाद की है और उस अर्श को हिलाया है, तो अल्लाह ताला ने इमरान की शक्ल में ना हमें एक लीडर अता कर दिया है, ना
ईरान चाहता है ना इंडिया चाहता है, अमेरिका, इजराइल, इवन के बहुत सारे लोग शायद इससे इख्तलाफ करें, चाइना भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान को इस तरह एक बेबाक, निडर और सच्चा रहनुमा मिल जाए जो इस कौम को सही समत के ऊपर लेकर चले, इस मुल्क की जो बदहाली है उसको खुशहाली में बदले, यहाँ चेहरों की जो वहशत छाई हुई है उसके ऊपर मोहब्बत और इंसाफ और अखुवत का वो नूर नज़र आना लग जाए जिसके हम हमेशा ख्वाह रहे हैं या मुतमन्नी रहे हैं, ये कुवतें नहीं चाहती किसी भी सूरत में। लेकिन अब सब कुछ बुरा होने के बावजूद भी एक चीज़ अच्छी ये हुई कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह इक्तदार में आ गए। हमारा बहुत बड़ा इम्तिहान है, यही नहीं है कि हमने पीपल्स पार्टी को, नून लीग को या अपने वहाँ लोकल छोटे छोटे उनको ना ग्रुपों को फेस करना है। ये जो आपने सवाल पूछा है ना, इसकी बड़ी जामियत है, इसके अंदर बड़ी गहराई है कि ये कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो। और मैं कई दफ़ा बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर बोलता हूँ कि पाकिस्तान का खड़ा होना सही डायरेक्शन में पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बाइस फ़ख्र होगा। जो हम आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान ज़िल्लत और रसवाई का सामना कर रहे हैं, जो बदहाली और मफलूकुल हाली हमारे चेहरों से टपकती है, उसमें हमारा अपना भी हिस्सा है, लेकिन जितना इन अग्यार का और इनकी पॉलिसीज़ का और इनके इसके कर्ज़ों का और जो गलत फैसले जो हमारे हुक्मरान कहीं भी हों किसी भी मुल्क में, बहसियत मुसलमान एक बात कर रहा हूँ, इसको हम उसको फेस कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान खड़ा होता है और लीड करता है तो उस सिलसिले उस तनाजुर में आप जाकर देखें कि आज तो नवाज शरीफ के लिए सऊदी एम्बेसडर आता है और खान साहब को ऑफर करता है कि आप 10 बिलियन डॉलर ले लें और गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया आपको बॉन्ड भरकर देती है कि ये दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे और कारोबार भी नहीं करेंगे। ये खबर दुरुस्त है? दुरुस्त है, मैं वहीं पर मौजूद था जब हमारे वो इज़्ज़त मआब सऊदी सफ़ीर आए थे, गुफ्तगू में शरीक नहीं था लेकिन वहीं पर था, बनी गाला में। जी, तो खान साहब ने कहा कि मैं कोई भी ऐसा फैसला अपनी कौम से राय लिए बगैर नहीं करूंगा और मेरी नवाज शरीफ के साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, मेरे जो बच्चों का ऊपर इन्होंने कर्ज डाला हुआ है, जो इन्होंने करप्शन की हुई है, लूटमार की, वो पैसे वापस दे जहां मर्जी चला जाए, मुझे इससे कोई ज़ाती वो नहीं है, लड़ाई नहीं है। वैसे अगर आप 10 बिलियन डॉलर देना चाहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए दे दें। तो राशिद भाई, कितने लोग होंगे पाकिस्तान में कि कोई भी सफीर को खाली हाथ, जहां एक गिव एंड टेक का, तो एक पहली मिसाल थी जो अभी तो हल्ला भी नहीं उठाया था, सिर्फ इलेक्शन जीते थे जी, उसके बाद चाइनीज फीर भी आता है, उसके बाद अमेरिकन भी, दूसरे तीसरे लोग जाते हैं मिलते हैं खान साहब से। तो ये एक एग्जांपल थी जो उन्होंने कायम की और ये जो एस्टेब्लिशमेंट की इंटरनेशनली जो है इसको फेस करेंगे, अकेले इमरान खान नहीं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान के साथ होगी, वो भी हमारी ताकत है, हमारी आर्मी भी। और जब वही बात है कि जब हम डिलीवर करेंगे तो हमारी ताकत में इजाफा होगा, और जब आपको सपोर्ट मिलती है तो जमहूरियत तभी पनपती है। अगर जमहूरियत को सपोर्ट नहीं मिलती और अपने अपने घरों के अंदर हम अपनी तिजोरियाँ भरना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर आर्मी भी आती है, मार्शल लॉज भी आते हैं, और फिर दूसरे तीसरे पे रोल पे जो मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग हैं
वो सड़कों के ऊपर आने की धमकियां भी देते हैं, तो उनके लिए कप्तान ने बड़ी अच्छी बात की है कि आप इरादा करें, आपके लिए खाना और कंटेनर हम मुहैया करेंगे, आप आए तो सही। तो ये हौसला उन लोगों के अंदर नहीं है, जो एक बेईमान या करप्ट या गलत लोग होंगे वो कमज़ोर होंगे, वो अपने पैरों पे खड़े होने की सख्त नहीं रखते, ना वो फैसला करने की सख्त रखते हैं, वो हुक्मरान हो, वो किसी भी शक्ल में हो। तो सारा कुछ होने के बावजूद आज अल्लाह ताला ने इमरान खान को मौका दिया है, और आप देखेंगे हमने जो डिलीवर करना है, पार्टी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कि जितनी जल्दी हो सकेगी पीटीआई मैक्सिमम शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करेगी, कि कल को खुदा न खास्ता पाकिस्तान है, अनसर्टेनिटी कहीं पर कभी भी किसी जगह पर भी हो सकती है। तो जिस तरह पूरे दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, मैं भूल जाऊँगा, यकीन जाने कि मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मेरे फेसबुक पर भी डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग ऐड हैं, उन लोगों ने भी दिल से दुआ मांगी कि पाकिस्तान को एक अच्छा ईमानदार लीडर मिल गया है। वो अफ्रीकन्स थे, वो कैरेबियंस थे, वो यूरोपियन थे, कहीं के भी लोग थे, उन लोगों ने कहा है कि इस मैन कांग्रेचुलेशंस, मतलब कि बड़े उन्होंने खुले दिल से, वो लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो एक छाप लगी हुई है, जो लगा दी गई है, और इतनी बुरी छाप है वो कि उसको निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन जब हम डिलीवर करना शुरू करेंगे ग्राउंड रूट्स के ऊपर, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये सब जो उफ्रियतें मुंह खोले हमारी तरफ बढ़ रही हैं, इनके इंशाअल्लाह ताला दांत भी खट्टे होंगे, इनके जो नापाक इरादे हैं वो भी मलियामेट होंगे, और पाकिस्तान ना उस शान शौकत से जिसके लिए मेरे आबाओ अजदाद ने 1947 में कुर्बानियां दी थी ना, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो पाकिस्तान को इस्लाम समझते थे, राइट, वो पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं समझते थे, वो इस्लाम समझते थे, कि वहाँ इंडिया के अंदर तो उनको शायद उस वक़्त अंग्रेज़ था, आज़ादी नहीं थी, और आज भी देख ले जो वहाँ कर हालात हैं हम मुसलमानों के लिए। तो वो ताबीर 70-71 साल के बाद आज पूरी हुई इमरान खान की शक्ल में। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश जब इंसान कोई भी, आप करें, मैं करूं, इमरान करें, जब हमारी नीयतें साफ होंगी, जब हमारे इरादे पाक होंगे, तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है। दुरुस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम आप कल्चर शॉक देख रहे हैं, बड़ी मैं इंटरप्ट नहीं करता बीच में, क्योंकि इतनी अच्छी बातें सईद इकबाल साहब कर रहे हैं कि वो हम सब की और कौम की दिल की आवाज़ है। मुद्दत से हमारे कान जो थे वो तरस गए, वही एक ख़ास तौर पर ये 30 हमारी जो, यानी यूँ समझें कि जब से हमने होश संभाला और हमने ये ड्रामे होने देखने शुरू की, तो दिन हर गुजरने वाला दिन पिछले से बदतर आता रहा, हर हुकूमत पिछले से भी बदतर आती रही, और बीच में फिर आर्मी का रूल और सारी कहानियाँ। तो एक उम्मीद है, जागी है, तो इंशाल्लाह इसे बरकरार, एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, फिर आखिरी सेगमेंट में मजीद सईद साहब से बात करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम कल्चर शॉक आखिरी सेगमेंट, सईद इकबाल मियां साहब ने बड़ी अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी, और कौम की जो इस वक्त तवक्कुआत हैं बड़ी हद तक बातें इनकी सही हैं। सईद साहब, बात यह है कि खैर ये तो हमें पता है कि एक बिल्कुल स्क्रैच से शिकस्ता, एक यूँ समझें कि एक बिल्डिंग जो बिल्कुल शिकस्ता हो चुकी है उसको रीबिल्ड करना है आपने, तो बहुत सारे हर तरफ ही आप किसी भी चीज़ को आप लेने, वो खा माली मसाइल हों, खा मईशत हो, खा ज़रात हो, उसमें पूरी तरह से एक मिलावट है, यानी जो भी आप चीज़ देख लेना वो आवे का आवे बिगड़ा हुआ जी। तो अच्छा, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें ये है कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनमें उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि उनके साथ भी जो लोग आए हैं ज़ाहिर है दूसरी पार्टियों से आए हैं, अपने नज़रियात के साथ आए हैं, और वक्त की ज़रूरत के तहत खान साहब ने उनको एक्सेप्ट भी किया। अब कालाबाग डैम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, इन्होंने कोशिश तो शुरू की चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन फिर उसी तरह आपको पता ही है वो कुवतें आ गई और उन्होंने वो किसे पिटे बयान दिए।
तो मैं इसे एक बीइंग एक्स वापडा एम्प्लॉय, पहले भी मैंने प्रोग्राम में ये बात की थी और आज फिर करता हूँ कि ये पाकिस्तान का एक बहुत ही कीमती असासा होगा कालाबाग डैम, और ये खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो कैसे कौम को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि इसके बारे में चूंकि मैं रहा हूँ वहाँ पर और मुझे पता है कि ये जो बातें फैलाई गई बिल्कुल गुमराह कौन थी, और यानी इनके एतराज़ात को बड़ी हद तक दूर कर दिया गया। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था डिज़ाइन रिवाइज़ कर दिया गया कालाबाग का, 10 फुट हाइट कम कर दी गई, लेकिन ये बातें मंजर आम पर नहीं आई और वो जो मुखालिफीन थे उनके बयानात हावी रहे। अब इस वक्त जैसे कि कौम का मोराल हाई है और वैसे भी कौम बाशऊर, ये तो आपको पता है कौम एक बेशक उसमें पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम है लेकिन उसमें खलूस हुब्बुल वतनी और शऊर उसका लेवल हमेशा से बहुत हाई रहा, और जब भी मौका आया कौम मुत्तहिद हुई। तो इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि खान साहब के लिए ये एक मुनासिब वक्त है कि अब बादशाह की तरफ जाने से पहले ये तैयार है हर लिहाज से और इसकी इफादियत है और इतना वक्त, और अब जाहिर है आपको पता है कि ये कोई 10 मरले का मकान तो है नहीं जिसको हफ्ते में कोई डिज़ाइन करके, इसमें मुद्दतें और पैसा और वक्त लगता है, फिर वो जगह तलाश करनी पड़ती है जहाँ पर डैम बन सके, वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो ये आप मुझे बताइए, आप उनके करीबी साथी हैं और मेरी दरख्वास्त भी है कि उन तक ये बात पहुँचा दें कि इस मसले को टेक्नोक्रेट्स के हवाले करें और टेक्नोक्रेट्स की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर पब्लिक के सामने रखें और पब्लिक के सामने एक ओपन डिबेट करें और उनको मोटिवेट करें कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए एक जिंदगी और मौत का मसला समझ लें कि है और कौम उनकी बात को सुनेगी। तो इसमें ज़रा, इसमें राशिद साहब ये है कि आपके लिए और नाज़रीन के लिए मैं बताता चलूँ कि ऑलरेडी शमशुल मल्क जो आपके थे वापडा के एक्स चेयरमैन, उनकी खान साहब से इस टॉपिक के ऊपर मुलाकात हो चुकी है, राइट, और उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी खान साहब ने उन्हीं को ही सौंप दी है, ठीक, कि आप इसके ऊपर फर्दर जो भी कुछ है कैसे इम्प्लीमेंट करना कैसे चलाना है, सो उसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है। अब मसला ये है कि चारों सूबों की एक उसके लिए आमादगी और जो भी एक गलत फहमी की फ़िज़ा पहले बनाई गई थी उसमें से निकालना खुद को कौम को और उसे एतमाद पर लेके आना, तो वो लीडरशिप ही का काम था जो बदकिस्मती से आज से पहले ना हो सका। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे फजल रहमान साहब 20-21 साल के बाद कश्मीर हाउस से बाहर निकले हैं और उन्होंने एक इंच भी कश्मीर के लिए काम नहीं किया, इस तरह सभी हुकूमतों ने नारेबाजी तो की सियासत तो चमकाई लेकिन कालाबाग डैम के लिए एक इंच भी पेशरफ ना हुई। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि तहरीक इंसाफ की जो हमारी हुकूमत है उसमें आप बहुत सारी तब्दीलियां और बहुत सारी कामयाबियां देखेंगे। और राशिद भाई ये आज की बात नहीं बता रहा मैं आपको, 2013 या 2008 या जब से पार्टी बनी है ना, हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज़ बनाई हुई हैं, फाइनेंस की अलग है क्या रिफॉर्म्स होंगे, पुलिस के लिए अलग है, हेल्थ के लिए अलग है, आपका जो रेवेन्यू है उसके लिए अलग है, आपकी जो आईटी है उसके लिए अलग है, और इनके अंदर पीटीआई ने जो हमारा एक अच्छा ब्रेन पाकिस्तान के अंदर से जो लोग साइड पे होकर साइडलाइन हो गए थे कि यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता, उन लोगों की सरबराही में खान साहब ने ये कमेटियां बनाई, उन्होंने रिफॉर्म्स की और वो तैयार थी, इंप्लीमेंट नहीं हो सकता था क्योंकि इख्तदार में नहीं थे। तो इन लोगों की जो ये गलत फहमी है ना वो इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर होगी कि हमने ऑलरेडी पेपर वर्क मुकम्मल किया हुआ है, हमारी रिफॉर्म्स उन हाथों से और उन दिमागों के और उन तजर्बों के साथ जिन्होंने 25-25-30-30 साल कि अब मुझे पता है कि मैं अभी नाम नहीं ले रहा कि जो पुलिस की रिफॉर्म्स हैं हमारे एक्स आईजी हैं उनके हैंडओवर की, तो उन्होंने कहा जी मैं करूँगा लेकिन इसमें मुझे किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, जब ये सामने आ जाएंगी अगर किसी को इसके अंदर इख्तलाफ है तो वो दूर किया जा सकता है, लेकिन बीच में खान साहब ने उनको फ्री हैंड दिया। इस तरह फाइनेंस के ऊपर था, इंडस्ट्री के ऊपर था,
अब उसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं कि रजाक दाऊद साहब जो हैं डेस्कॉन इंडस्ट्री जी, से जी, ये पहले भी हमारे साथ थे, पीटीआई के साथ खान साहब के ज़ाती दोस्त भी हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब और काफ़ी लोग थे जो खान साहब ने पार्टी से इनसे जिनके पास अहदे थे वो लेकर और मुशर्रफ को दिए कि जाएं उनके साथ आप पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन करें। ये अपने ज़ाती उसमें से उन्होंने। तो अभी रजाक दाऊद साहब को क्यों वापस बुलाया कि खान साहब उन पर एतमाद करते ट्रस्ट करते हैं, तो उनसे कहा कि पहले अपने ग्रुप की चेयरमैनशिप छोड़ें और पाकिस्तान के लिए काम करें। अगर पाकिस्तान तरक्की करता है तो आप 10 और ग्रुप बना लेंगे और खुदान खास्ता मैं नहीं वो लफ्ज़ दोहराना चाहता, किसी वजह से पाकिस्तान डाउनग्रेड करता है तो आपके इरादे कहाँ जाएंगे? क्या नवाज शरीफ तो नहीं है कि पाकिस्तान कर्जों में डूब रहा है और उनकी जो एम्पायर है वो बढ़ती जा रही है? राइट। जरदारी जो है सरेआम खुलेआम करप्शन कर रहा है और उनके जो वो साथी हैं उनको सोने के ताज पहराए जा रहे हैं करप्शन करने के ऊपर, और फिर धड़ल्ले से खड़े होकर धमकी भी देता था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो 3 साल है हमने इधर ही रहना है। एक चोरी तो ऊपर से सीना जोरी। ये सिर्फ नवाज शरीफ के लिए नहीं है। अभी जो मैंने आपको बोला है कि अभी और चीखो पुकार होगी, आओ बका आएंगी, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। इसमें कोई भी वो शख्स, ख्वाह मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैंने 1 रुपए की भी बेईमानी बद्यांती की है ना अपने घर के साथ अपने मुल्क के साथ, तो मेरा भी एहसाब होना चाहिए, मुझे भी उसमें आना चाहिए शिकंजे के अंदर। तो इन लोगों ने तो खरबों, हम तो गिन भी नहीं सकते खरबों की, 0 भी लगाए ना तो हम शायद गलती कर जाएंगे, इनके तो आम घरों के अंदर से अरबों खरबों रुपए की ना जायदादें, असासे, नगद कैश। तो इसमें राशिद भाई आप ये देखें कि जो रिफॉर्म्स हैं ना आज से पहले किसी पार्टी के मैनोफेस्टो में नहीं थी कि इन्होंने करना क्या है। उनका तो बस यही था कि हमने आना है, तुम लोगों ने अपोजिशन में रह के शोर डालना है, गालम गलोच होनी है, और फिर 5 साल के बाद आपने वही जो पहले खान साहब कहा करते थे कि इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं कि एक टिन्योर आपका है और दूसरा टिन्योर हमारा है, और वो कर रहे थे। तो कौम जाग तो 2013 में भी गई थी, बदकिस्मत ये हुई कि खान साहब गिरे हादसे की वजह से, और वो उन्हीं नादीदा कुव्वतों ने जो इक्तदार पीटीआई को देना था या हमें मिलना था, देना नहीं था मिलना था, वो उठा के मियां नवाज शरीफ ने जो एक विक्ट्री स्पीच की थी उनके हैंड ओवर कर दिया गया। और ये मैं क्लियर करता चलूं कि जितने भी इससे पहले हमारे जमहूरी टेन्योर गए हैं, ये नून लीग का जो 5 साला टेन्योर गया है उसके अगर आप कर्जे उठाएं दे आर मोर देन इसकी जो हजम है वो उन सारे के सारे प्रीवियस जितने भी डेमोक्रेसी टेन्योर थे उनसे ज्यादा है 5 साल के अंदर। राइट। क्यों? कि इसके ऊपर जो एक हमारे नाम नाद मईशत और इकोनॉमिस्ट इसहाक डार साहब जो आजकल लंदन की सड़कों पर अपना इलाज करवाते फिर रहे हैं लोगों से, उन्होंने इस तरीके से कवर अप किया कि ये कप तो नज़र आए कि इसके अंदर ये कप है, इसके अंदर क्या है वो किसी को नज़र ना आए, यही उसकी जादूगरी थी। अब जब ये खुलेंगी चीज़ें, आप चाहे लंदन में बैठे हो, अमेरिका कनाडा में बैठे हो, दुनिया के कहीं पर भी बैठे हो ना, इंशाल्लाह ताला एक ऐसा नया शोबा हमारी हुकूमत ने अभी ऐलान करना बनाया हुआ है, ये सबको वहाँ से लेकर आएंगे। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि कोई भी ऑफशोर कंपनी हो, कोई सी ने भी यहाँ से करप्शन की हो, सरकारी अफसर भागा हुआ हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो चेयरमैन ही भागा हो किसी का। मैं बहुत सारे इतने ये एक्सियंस ओवरसीयर्स इस लेवल के लोग भी हैं जिन्होंने अरबों रुपए लूटे हुए हैं पाकिस्तान के और वो निकल कर आ गए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा सेटअप हो चुका है, उसकी अनाउंसमेंट होगी और उस
महकमे का या उन लोगों का काम है पाकिस्तान के असासा जात की रिकवरी, वो अंदर है या बैरून मुल्क है। तो उसके ऊपर बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अगर बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर मुजरमान की हवालगी का वो नहीं है तो वहाँ पर क्या किया जाएगा। तो उनके फिर जवाब यही था कि जो वो करेंगे वैसे वो भरेंगे, अगर वहाँ पर नहीं है तो आप लोग। तो उसके लिए बोल्ड स्टेप वो इमरान खान ले सकता है, नवाज शरीफ नहीं ले सकता, जरदारी भी नहीं ले सकता। तो ये अल्लाह का मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत ही करम हुआ है और ऐसे मोड़ पर आकर हुआ है जहाँ पर हर नज़र जो थी ना वो पाकिस्तान की तरफ थी और हर किसी ने चाहा कि यहाँ पर कोई आज़ाद दरवेश मुंस या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शख्स सामने ना जाए, लेकिन सबकी उल्टी तदबीरें हुई हैं। अल्लाह ताला ने जो समझा अच्छा पाकिस्तान के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरी नस्ल के लिए, हमारी बेटियों बहनों माओ के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, वही अच्छा किया है। और मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ, कब से हम इसको झेल रहे हैं सिस्टम को, कि आप आए आपने खा लिया, मैं आया मैंने खा लिया, और कोई आया उन्होंने खा लिया, घर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बिल्कुल सही तो बात, पहली दफ़ा हमें घर के बारे में सोचने वाला रहनुमा मिला है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, बड़ा दिलचस्प आज प्रोग्राम रहा। इमरान खान साहब के करीबी साथी सैयद इकबाल मियो साहब आज हमारे मेहमान थे, इनके इब्तदाई ज़माने से उनके साथ रहे हैं, अभी रिसेंटली वहाँ से होकर आए हैं बनी गालम, मुझे वहाँ से भी अपनी तस्वीर भी भेजते रहे और तमाम लोगों से। तो गुफ्तगू इस उम्मीद के साथ आज हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो भी फैसले इमरान खान करेंगे वो इस मुल्क और कौम की बका, उसकी सालमियत, उसकी मईशत, हर लिहाज से उसके बेनिफिट में होगा। और यही एक उम्मीद, इसी उम्मीद पर लोगों ने उनके लिए काम भी किया, उनके लिए दुआएं भी की, और जो वो बात कहते हैं लोग उनको सुनते हैं, चाहे वो गैर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से कोई अपील करें या कुछ करें, उन्हें पता है कि जो भी पैसा जाएगा, जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे, वो ज़ाया नहीं होगा, वो किसी की जेब में नहीं जाएगा, वो इमरान खान का वादा है, ये कोई और शख्स नहीं है यहाँ पर। तो इस नेक तमन्ना के साथ और इस ख्वाहिश के साथ हम कि हमारा मुल्क जो है वो एक दफ़ा फिर उठकर खड़ा हो और अक़वाम आलम में हम भी सर उठाकर जो है हमारी जो एक साख ख़राब हो चुकी है और वो बेहतर हो, और आने वाले दिन जो है जब हम देखते हैं कि पीने का पानी नहीं लोगों के पास, दवाई नहीं, गरीब 50% लोग 50% लोग गुरबत की लकीर से नीचे चले गए हैं, बच्चों के पाँव में जूती नहीं, तो बड़ा ही दुख होता। तो इस दौरान मुख्तलिफ अकवाम बड़ी तरक्की की, मलेशिया है, टर्की है, सिंगापुर है, तो हम क्यों ना कर सके। उसकी वजह बहरहाल सबको, अब कौम को पता चल गई, बार बार उन नामों को दोहराने का फ़ायदा नहीं। इंशाल्लाह हाँ, हमारा राबता रहेगा सैयद इकबाल मियो साहब के साथ भी, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान किस तरीके से अपनी मंजिल की तरफ चलती है। आपसे राबता रहेगा, अगले हफ्ते नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।